जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? वालेकुम सर, अल्हम्दुलिल्लाह गुड। अच्छा बेटा, आज हम बना रहे 99 डे ऑफ अल्लाह ब्लू एंड गोल्ड, गोल्डन कलर के बॉक्सेस बनाएंगे और ब्लू एंड ग्रीन हमारी बैकग्राउंड होगी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। इसके लिए जो मैंने कैनवस का साइज है ना, ये है वर्टिकल 48 है यानी के 4 फिट, हॉरिजॉन्टल है 36 इंच यानी 3 फिट। इसका मतलब ये 3 फिट बाई 4 फिट का साइज है कैनवस का। और इस पे हम मॉडर्न 99 नेम ऑफ अल्लाह इन गोल्ड एंड ब्लू में बनाएंगे। ब्लू इसलिए कि ग्रीन की परसेंटेज बहुत कम होगी, ब्लू ज्यादा। आप देखें ग्रीन आ रहा है कलर ना, चले अब हम ना ये साइडों से 1 इंच का डिस्टेंस देंगे और नीचे वाली साइड से भी 1 इंच का डिस्टेंस रखेंगे। उसके बाद हम इस पे लाइनें लगाते हैं। जो जो बॉक्सेस है ना वो हम लगाएंगे 2.5 इंच का। अब हमने जिस बॉक्स में राइटिंग कर दी है ना उस पर क्लिक कर लेंगे और करेक्ट का निशान लगा के जिसमें नहीं करनी उसे एम्प्टी दे देंगे। ठीक है, अब जो इसके नीचे वाला जो खाली होगा उसके नीचे वाला हमने दोबारा फिल करना है। यदि ये देखिए, ये गोल्डन कलर है एक्रेलिक का, एक्रेलिक गोल्डन। यूज़ कर रही हूँ ये जो मेटैलिक बोर्ड होते हैं ये वो है? जी जी एक्जेक्टली, ये शाइनी है।
नहीं, आप उसमें पानी बिल्कुल मत डाले, मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला, अगर मैं इसमें पानी डालूंगा ये भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। थोड़ा सा हटा के लिखना है जो भी काम करना है। सर जो भी काम के जो भी कैलीग्राफी, यानी जो प्रोमिनेंट लफ्ज है ना वो सेंटर में नहीं लिखना आपने। जी सर, लास्ट टाइम आपने वो पेंटिंग बताई थी जिसमें आपने ऑयल पेंट यूज किया था, उसमें थोड़ा सा वो टॉर्न पेपर का इफेक्ट देने के लिए, तो उसके लिए कौन सी वार्निश यूज करेंगे क्योंकि उसमें ऑयल और एक्रेलिक दोनों यूज हुआ था। जी उसके लिए अगर तो आपने मार्कर नहीं यूज किया ना पेंटिंग पे, तो फिर आप कोई सी भी ऑयल बेस्ड वार्निश जो है ना वो यूज कर सकते हैं, ऑयल सॉल्युबल हो कोई भी वार्निश। और अगर आपने उस पर मार्कर यूज किया तो फिर आपको उस पर लेकर ही यूज करना पड़ेगा। ये अब सर सिल्वर अप्लाई कर रहे हैं, एक्रेलिक का सिल्वर। आप करने क्या लगे अब डिस्प्ले लिखूंगा ना यहाँ पे कलर के साथ, ओकर और फ्रोजी मिक्स करके इसमें थोड़ा सा साथ में मैंने वो भी डालना है वाइट वो डालूंगा। तो साथ साथ तीनों कलर मैंने खोल लिए हैं पास पैलेट के ना।
ब्लैक कलर पानी के साथ पतला पतला लगा रहा हूँ। ये दायरे में हम ऑर्नामेंट बनाएंगे। ओके। परमानेंट मार्कर और ब्लैक कलर, ब्लैक ब्रांड डॉलर ऑल मार्क, और ये थोड़ा सा इसके जो मैंने निब है वो बारीक कर ली थी ब्लेड के साथ। बहुत खूबसूरत लग रही है। जजाक बेटा, बस आप बनाए ना अभी से जल्द अज जल्द। ठीक है इंशाल्लाह। ये सब ने बनाना है आपने, और एक पेंटिंग बनाने का मकसद ये होता है आपको टेक्निक देना। आप बॉक्स ऊपर नीचे कर रहे हैं, बाएं दाएं कर रहे हैं, ये आपकी अपनी आर्टिस्टिक वो जो है ना IQ है। सर एक बात बताएं, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है कि ये अल्लाह के नाम ना एक ऑर्डर में लिखे जाए? ये उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कुरानिक वर्सेस को सीक्वेंस में लिखना और अराबों के साथ और बिल्कुल एक्यूरेट लिखना इम्पोर्टेंट होता है। सर अगर हम जिस तरह ये ब्लॉक्स बना रहे हैं कहीं पे जिस तरह अल्लाह है उसके साथ ब्लॉक छोटा कट किया है, तो सर हम उसमें कोई छोटा नाम लिख सकते हैं या नहीं? उस बड़े को ही अपने एडजस्ट करना होगा। अभी बताएंगे क्या कर रही है। सर आपको माइक म्यूट है? हाँ जी, हमने खुद ही म्यूट किया हुआ है, हम नहीं कर सकते ना उसमें। अच्छा हाँ, आप पूछ रही है छोटा करके। नहीं। वैसे वो आप ना लिखे तो सूटेबल होगा, वो आपकी पेंटिंग थोड़ी सीक्वेंस से हट जाएगी। उसमें आपको बताते हैं गैप कैसे।
दायरे में लिखने का असूल पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, अब फिर मैं बता दूँ कि तमाम अलिफ जो है ये सेंटर वाले इसके जो मरकज़ है जहाँ पे कंपस रखी जाती है उस पे बेस करेगी, तो फिर सर्कल बिल्कुल सही लिखा जाएगा। तो अब आप ब्लैक से लिखेंगे अंदर वाला सर्कल। बिल्कुल सराज प्लीज एंड करना। अभी बस अभी अभी हम सिर्फ एक वक्त ही जाया और दफा करेंगे। समझा दें कि सर्कल में क्या आप क्या कह रहे थे, किस तरह से लिखना है? क्या कह रही? कह रही हैं प्लीज दोबारा समझा दें कि सर्कल में कैसे लिखना है। मैं बताता हूँ, सर मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। ये जो अलिफ है ना, तमाम अलिफ और लाम वो इस वाले मरकज के मुताबिक आएगी। ये देखें, अगली क्लास में आपको ओके एक दफा फिर बता दूंगा, थैंक क्योंकि अभी मेरी कोशिश है जल्द से जल्द मैं इसको फिनिश कर दूं, ताकि आप सबको इंतजार ना करना पड़े इसका। सर। बैटरी भी लो गई है। चले जजाक अल्लाह। सर बैटरी लो। सर इंशाल्लाह पहले पेपर इसके यही बनाऊंगी। कौन की? बेरे वाले की? कोई बात नहीं, हाँ इसके चार्जिंग लगा दे। नहीं लग सकती। क्यों? दूसरे एंगल में देख लेते हैं ना अभी। मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बहुत थक क्या बता है? आप जरा कैमरे का एंगल रखो। व्हाइट मार्कर जो है वो सीजर मुझे नहीं मिला है, तो आपने खुद बनाया है वो? बिल्कुल मतलब मुझे एक दो लोग कह रहे थे कि इसमें राउंड नेप वाला ही आता है। नहीं, ये मिलता नहीं है, ये बनाना पड़ता है। ये मेरी मेरी वीडियो है मेरे चैनल पे, वो आप देख लीजिएगा। वो सर मैंने देखी है, तो वो इसी तरह से जैसे ब्लेड से कट कट करके आपने मार्कर्स पतला करते, इसी तरह से इसकी निब भी बनेगी? बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। ठीक है सर, थैंक यू। सर ये आप लिख कौन सी स्क्रिप्ट बनाए हैं? ये सुल्स में और मिक्स लिख रहा हूं मैं। अल अव्वल अल आखिर। जी, मैं भी यहीं पे हूँ।
चौथ आपने रिमूव किया, ये वेट से रिमूव किया? शावर से, शावर से। नहीं, मैं तो शावर से ना खुला पानी इस पे कर देता हूँ ड्रॉप, उसके बाद इसे किसी कॉटन के कपड़े से या टिश्यू से साफ कर देता हूँ। आप लोग चौक ज्यादा दबा के भी नहीं ना चलाएं और गीले गीले कलर पे भी ना चलाएं। चौक को गीला भी ना करें, ना चौक गीला हो ना गीला नहीं करते हैं वो क्लीन, फिर भी होते हुए ना अजीब सा हो रहा होता है। अच्छा, ये मोस्टली ना डिपेंड करता है हमारी बैकग्राउंड पे भी। ओके, एक मेरा कैनवास है उसपे कोई बैकग्राउंड नहीं बनी हुई, वाइट पर ही वो चॉक स्टिक हो गया। हाँ, सॉरी सॉरी, मैंने बैकग्राउंड कह दिया, मैंने कहना था प्रिपरेशन पे, क्योंकि यहाँ हम भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, सिंपल इमल्शन पे चॉक लगाएं तो वो उतरता नहीं है, और वही जब चौक हम एक्रेलिक अप्लाई करके कैनवस प्रिपेयर करके लगाएं तो वो इजीली रिमूव होता जाता है पानी से। ओके, मे भी यही बात है क्योंकि हमने तो बाजार से लिया ना कैनवस। जी, तो अगर जो बाजार का प्रिपेयर कैनवस है उससे खाली एक्रेलिक अप्लाई करते तब भी ठीक है? जी जी बिल्कुल, डिफरेंस हम कैनवस में जो है किसी भी तरह के कैनवस में या हमारे और आपके कैनवस में वो सिर्फ एक्रेलिक का ही है। तो अच्छा, ये चारकोल के साथ था, अब इसे फोल्डिंग दे रहे हैं अभी, बता देना ये चारकोल पेंसिल है, अब इसे ना हम फोल्डिंग दे रहे हैं। फिरोजी में ऑकर डाला हुआ, 80 कलर कर दिया ना, जिससे जिस कलर से हमने कल बिस्मिल्लाह लिखी थी वो ही है। बट बिस्मिल्लाह भी राबिया दो शेड की लग रही है, ग्रीन भी लग रही है, रोजी भी लग रही है।
हाँ जी, उसमें बताए। कहीं पे ऑकर क्लियर है, कहीं पे फ्रोजी क्लियर है, और कहीं पे दोनों मिक्स हैं। अब ये देखिए, ये है ऑरेंज कलर। ये आप एक चीज़ देखें कि मैं जब बहुत स्पीड में ब्रश चला रहा होता हूँ तो ब्रश का सिर्फ एक एक कॉर्नर जो है ना वो यूज़ करता हूँ। देख लीजिए बेटा, क्रीम करें ज़रा, ये देखें यहाँ पे पूरा ब्रश। ये वॉशेस दे रहा हूँ मैं ना इंक के साथ, और ये थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा टिश्यू के साथ। पर ये देखिए ऑरेंज कलर की इंक है, कैलीग्राफी इंक, और इससे मैं इसको वॉश आउट कर रहा हूँ। ठीक है, ये देख लो। एक रैलिक इस पे थोड़े नज़र आ रही थी, आप देखिए एक सिर्फ वाइट एरिया पे नज़र आ रही है, ट्रांसपेरेंट है, इसलिए मैंने इस पे कर इंक इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, वो इतनी थिन होती है कि वो बिल्कुल ही नज़र आ रही। नहीं कुछ नहीं, नहीं नहीं, इनको हमने डायरेक्टली अप्लाई किया। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा सर, इंशाल्लाह ग्रुप में डाल देंगे मगर।
चलें, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।